बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईद उल फितर की नमाज़ का तरीक़ा क्या है? जो भी ईद की नमाज़ का तरीक़ा है, बकरीद यानी ईद उल अज़हा की नमाज़ का भी वही तरीक़ा है, दोनों बराबर है। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। अगर आप इमाम हैं तो दिल में इरादा करेंगे कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, मुक्तदी हैं, तो आप दिल में सोचेंगे कि मैं ईद की नमाज़ इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ। उसके अलावा जो मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ और 6 तकबीरात जो है जायद हैं वगैरह वगैरह, वाजिब नमाज है, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही कह लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी जितना मैंने कहा है। वो भी ज़बान से अदा करना, ज़बान से कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है, दिल में सोच लेना ही काफ़ी है। अब नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे इमाम जैसे ही। लेकिन इतना ख्याल रहे, इमाम पहले हाथ बांधेगा, पहले अल्लाहु अकबर कहेगा, उसके पीछे पीछे आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे। इमाम से पहले अगर आप हाथ बांध लेंगे तकबीर तहरीमा में, नमाज शुरू करते वक्त जो तकबीर कहते हैं, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, इमाम की तो नमाज हो जाएगी। इसीलिए इमाम से पीछे पीछे चलिए, इमाम के आगे मत जाइएगा। अब तकबीर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना आप भी पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा। जैसे सना पढ़ के मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद अब जो है 3 तकबीर जायद होगी। कैसे? सना मुकम्मल होने के बाद अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, पहली तकबीर थी। फिर दूसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, इमाम के पीछे पीछे करिएगा, इमाम भी यही करेगा। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे, ये तीसरी तकबीर थी। उसके हाथ बांधने के बाद अब इमाम साहब का काम करना है, जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, इमाम साहब करेंगे। जो इमाम के पीछे है वो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, चुपचाप। उसके बाद जो है, जब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर सूरह पढ़ लेंगे, उसके बाद अब रुकू को जाएंगे। रुकू को आप भी जाएंगे, इमाम भी जाएगा, तो रुकू करेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को जाएंगे, फिर रुकू से उठेंगे, फिर उसके बाद 2 सजदे करेंगे, जिस तरह आमतौर पर नमाज में करते हैं वही, उसी तरह बिल्कुल कोई अलग से कोई तरीका नहीं है। 2 सजदे करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और हाथ बांध लेंगे। इमाम भी हाथ बांधेगा, आप भी हाथ बांध लेंगे। फिर इमाम साहब जैसे ही खड़े होंगे, सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई सूरह पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर अब जायद तकबीरात शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ क्या करना है, किरात के बाद सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, पहली तकबीर थी। उसके बाद दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा फिर से अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा तकबीर कहते हुए रुकू को जाएंगे। कैसे? अल्लाहु अकबर। ये जो रुकू को जाएंगे, इसमें हाथ नहीं उठाएंगे, बगैर हाथ उठाए तकबीर कहते हुए रुकू को चले जाएंगे, क्योंकि ये रुकू की तकबीर थी। फिर उसके बाद रुकू से उठने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए उठेंगे, इमाम साहब आप जो है रब्बना वलकल हम्द कहिएगा, फिर उसके बाद 2 सजदे करेंगे, उसके बाद बैठकर अत्तहियात और दुरूद शरीफ दुआए मासूरा वगैरह पढ़कर सलाम फेर देंगे। ये सबसे आसान तरीका था जो मैंने अभी आपको बताया है। असल में यहाँ बताने का सिर्फ इतना मकसद था, जो जायद तकबीरात हैं उसमें कब हाथ छोड़ना है, कब हाथ बांधना है, ये असल था। यही मतलब ईद की नमाज में यही है, इसी में लोग गड़बड़ कर देते हैं, वरना तो वही तरीका है जो आम तौर पर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं नमाज, कोई अलग से तरीका नहीं है, वही तरीका। सिर्फ ये जो जायद तकबीरात हैं, इसमें जो ज़्यादा 2-4 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं, हाथ बांधते हैं, कभी छोड़ देते हैं, ये असल है, इसे याद रख लीजिए और आपकी नमाज इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।